5 class. Let's start exercise number 3.2. And exercise number 3.2 is all about addition and subtraction of more than two fractions with different denominators. The class exercise number 3.2 में first question आपके पास है 1/3 plus 1/6 plus 1/8. आप देख सकते हैं class इन सब के denominators क्या हैं? Different हैं. तो क्या करेंगे हम denominator को same बनाने के लिए? सबसे पहले हम इन denominators का हम LCM ले लेते हैं. जब हमने इसका LCM लिया आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3. जब भी हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 24 ही आना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए. तो इसका मतलब जो हमारे पास 1/3 था, मैं 3 को किससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो है 24 आ जाए. 3 का टेबल जब मैंने पढ़ा 3 × 8 = 24 आ गया. तो जो काम आपने डिनोमिनेटर में करना है उसी नंबर के साथ आपने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आ जाएगा 1 × 8 = 8, 3 × 8 = 24 प्लस इसी तरह से प्लस 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 24 आ जाए 6 × 4 = 24. ठीक है, जो काम नीचे वही काम ऊपर. ठीक है, 4 × 4 = 24. नेक्स्ट 1 + 8 है, वहाँ पे 8 को किससे मल्टीप्लाई करो 24 आ जाए 8 × 3 = 24. जो काम नीचे वही काम ऊपर, तो 3/24 आ जाएगा आपके पास. अब 24 आप सब डिनोमिनेटर्स में हमारे पास सेम हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर न्यूमिरेटर को ऐड कर देंगे 8 + 4 + 3 / 24. जब हमने इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 × 24. अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं. किस पे क्लास कटिंग हो रही है? ये हमारे पास जी क्लास 3 पे. 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24. 5/8 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर. ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 9/11 + 5/6 − 1/3. क्लास अब अपने पहले आपकी एडिशन हो रही है फिर सब्ट्रैक्शन हो रही है. तो क्या करेंगे क्लास, सबसे पहले तो हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं फर्स्ट स्टेप में. तो क्या करेंगे हम इसमें डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे 11, 6 और 3 का. जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2 × 3 × 11. 3 × 2 = 6 + 6 को जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 66. ठीक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 66 ही आना चाहिए. अब क्लास अब सेकंड स्टेप में देखें, मैं 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 66 आ जाए. तो फर्स्ट स्टेप पे क्लास देखें तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ 66 आ सकता. तो 11 जो काम नीचे वही काम ऊपर. तो क्या करना है 9 × 6 = 54 / 66 प्लस नेक्स्ट आपके पास है 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास क्या आ जाए 66. तो 6 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ 66 आ सकता. तो जो काम नीचे करना है आपने उसी नंबर के साथ अपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है. तो क्या जाएगा 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 55 / 66 माइनस. तो क्या सब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 66 आए. अब इतने मैं काउंटिंग कहाँ पढ़ती जाऊँगी कि 3 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँगी. ठीक है, 3 × 22 को 3 × 22 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तब 66 आएगा. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगी, इतना तो मैं टेबल नहीं पढ़ सकती इतना ज़्यादा. प्लस इसका एक और भी मेथड है, वो ये है कि मैं 3 को इस तरह से क्वेश्चन मत 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ. आप रफ वर्क में देख सकते हैं नीचे कि अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ. जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये ब्लैंक है कि मैं 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 66 आ जाए. इस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास 3 क्लास में किए होंगे. ठीक है, 3, 4 में. तो प्लस मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 66 आ जाए, क्वेश्चन बन गया. अब इस जो जिस क्लास आपने याद रखना है, जो इक्वल के एक साइड पे जो जिस मल्टीप्लाई हो रही होती है जब वो दूसरी साइड पे जाती है इक्वलिटी के, तो वो क्या हो जाती है डिवाइड. अगर डिवाइड हो रही हो तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर कोई मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है. तो ब्लैंक यहीं पर रहेगी बॉक्स जो बना हुआ है. ठीक है, तो हम दे 66 / 3 कर देंगे 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6. तो आपके पास जो ब्लैंक है वो क्या आ गई 22. इसका मतलब मैं जो ये क्वेश्चन था 3 में मैं क्या 3 को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो उस किससे का क्या आंसर आया 22. ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं 3 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिरेटर में भी. जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 22 / 66. तो प्लस डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो चुके हैं, तो 54 + 55 − 22. तो अब हमने सबसे पहले बोर्ड मैथ रूल के थ्रू हमें सॉल्व करना है. तो 54 में जब मैं 55 को मैं ऐड करूँगी, पहले एडिशन होती है फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग. तो अब 54 में मैंने 55 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 109 −22 मैज एडिस लिख देंगे डिवाइडेड बाय 66. अब 109 में से 22 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 87 / 66. अब मैं जब कटिंग करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 29 / 22. तो जब हम इसको क्लास अब देखें ऊपर, अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया. अब इम्प्रॉपर से हमने मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं. तो क्या करेंगे 29 को आपने अंदर रखना है, 22 भी डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1/7/22. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10.
ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2, 4 - 5/6 - 7/12। तो क्लास आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि जिसके नीचे कोई जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा जिसका डिनोमिनेटर गया है 1 है, ठीक है। तो जिसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है। तो ये 4/1 - 5/6 - 7/12 है। तो क्या करूँगी क्लास में, सबसे पहले इनका एलसीएम लूँगी। जब इनका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 12। तो ये कि डिनोमिनेटर में मेरे पास हर हालत में 12 आना चाहिए। तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 12 आए, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, जो काम नीचे वही काम ऊपर। तो क्या देगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 48, एंड 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। माइनस अब 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 12 बाय 2 से, जो काम नीचे वही काम ऊपर। तो 5 2 10 डिवाइडेड बाई 6 2 12। नेक्स्ट आपके पास क्या है, माइनस। अब 12 को क्लास में 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, हमें तो 12 हमें 12 ही एलसीएम चाहिए, तो 12 हमारे पास मौजूद है, उसको मैं 1 से ही मल्टी, अगर नहीं भी करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एज इट इज लिख सकते हैं 7/12 को। ये ना करो, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करने चाहते हैं तो आप इसमें कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 को भी 1 से मल्टीप्लाई करें, 7/12 आ जाएगा। अब क्लास आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब आपका सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब आप जिस ऊपर वाली न्यूमिनेटर को माइनस कर देना है, 48 - 10 - 7 डिवाइडेड बाई 12। जब हमने 48 में से 10 को माइनस किया और फिर उसके बाद जो आंसर है उसमें से 7 को माइनस किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 31 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको दोबारा से मिक्स फैक्टर में चेंज करने के लिए 31 को आप अंदर रखेंगे और 12 को आप बाहर रखेंगे, 12 2 24, तो 7 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 होल 7/12 आपके पास आंसर आ गया। ओके 5 क्लास, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आर ऑन द सिमिलर पैटर्न, सो डू इट बाई योर सेल्फ। नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 3.3। ओके क्लास, एक्सरसाइज नंबर 3.3 इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई आर होल नंबर्स एंड डिमॉन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो क्लास सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्लास हमने इसको फ्रैक्शन में हमने चेंज करना है, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो क्लास किस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, 1 / 3 / 5। तो क्लास जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है उसके नीचे कौन सा नंबर होता है, 1। तो क्लास हमने पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखी, अब हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। तो क्लास मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है कि हमेशा जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटिंग हो सकते हैं या डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो सकता, एंड ना और ना ही न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर के साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक है। हमेशा न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर के साथ कटिंग हो सकती है, यानी कि इन दोनों की अब ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन आमने सामने बिल्कुल भी कटिंग नहीं, वहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। अब अगर आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर में कोई ऐसे नंबर हों जो आपस में कटिंग हो सकते हों तो आप उनको कटिंग कर लेंगे, अगर कोई भी नहीं है तो आप न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे क्लास इस क्वेश्चन में आपके साथ हुआ हुआ है कि आपके पास 5 के नीचे क्या है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है, चीज़ भूलनी नहीं है आपने, ठीक है। ये 5 / 1 है। अब 5 को मैं न्यूमिरेटर में ना 5 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या देगा, 5, और 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी डिनोमिनेटर में तो क्या देगा, 3 × 3, ठीक है। अब आप इसको अपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो 5 को मैं अंदर रखूँगी, 3 पर जब डिवाइड कर दूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, जब मैंने इसको चेंज कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में। अब हमने इसको डायग्राम के थ्रू हमने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, क्लास आपके पास जो न्यूमिनेटर में क्या है, आपके पास 2 है और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या, 3। तो जो डिनोमिनेटर में होता है इसका मतलब है कि हमने उतने पार्ट्स करने हैं, ठीक है। आपको सर्कल्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे, आप इसकी जगह पे रेक्टेंगल बना सकते हैं, आपकी जगह पे कोई भी आप शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिए हैं। तो प्लस जो डिनोमिनेटर में, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होगा, कितने पार्ट्स हैं उस चीज़ के, सर्कल के या उस, अगर आप स्क्वायर जो भी मर्जी आप शेप बना रहे हैं उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब जो आपके पास क्लास नज़र आ रहा होगा क्या है, वो जो न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर में आपके पास क्लास क्या है, 2। तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, 2 पार्ट्स में इसको लेके जाना है। तो क्या करूँ, सबसे पहले मैं इसको किस तरह से करूँ, क्या सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके मैंने फर्स्ट पार्ट को शेड किया प्लस, फिर उसके सेकंड पार्ट को शेड किया, फिर उसके थर्ड पार्ट को शेड किया, 1/3 + 1/3 + 1/3।
तो क्लास अब क्या होगा, वन होल है ना, यानी कि थ्री, वन प्लस वन प्लस वन, थ्री हर जाएगा डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री थ्री से कट हो जाएगा तो क्या जाएगा, थ्री मंदा थ्री, वन आ जाएगा, यानी कि वन होल। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, वन होल। इज इट क्लियर? अब अगला क्या है आपके पास, नेक्स्ट में आप देखेंगे क्लास, वन होल तो आ गया, वन होल टू बाई थ्री था ना आपके पास, तो वन होल आ गया आपके पास, अब टू बाई थ्री भी करने हैं, तो क्या करूँगी क्लास में, टू जो थ्री पार्ट्स थे ना उसके, उसके टू पार्ट्स को मैं शेड कर दूँगी। ठीक है, उसके टू पार्ट्स को मैंने शेड कर दिया, थ्री प्लस जो ऊपर न्यूमिरेटर है वो शेडेड पार्ट होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो पार्ट्स होते हैं और जो न्यूमिरेटर होता है वो शेडेड पार्ट होता है। इज इट क्लियर? आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, वन होल, वन होल टू डिवाइडेड बाय थ्री। इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको क्वेश्चन नंबर वन की? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव, थ्री डिवाइडेड बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर। तो क्लास ये फोर ओवर वन है, तो इसका मतलब अभी भी क्लास हमारे न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको हम कट कर सकें, तो हम न्यूमिरेटर को आपस में न्यूमिरेटर में न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर थ्री इज़ आर ट्वेल्व एंड सेवन वन जै सेवन, थ्री फोर ट्वेल्व एंड सेवन वन सेवन आ जाएगा, ट्वेल्व ओवर सेवन आपके पास आ गया। तो क्लास अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब क्या करूँगी मैं, न्यूमिरेटर को मैं अंदर रखूँगी, डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में सेवन है, सेवन को मैंने किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्लास सेवन मतलब सेवन। ठीक है, तो फाइव रिमाइंडर आ गया आपके पास, उसका मतलब क्या आ जाएगा, फाइव वन होल फाइव डिवाइडेड बाई सेवन, वन होल फाइव डिवाइडेड बाई सेवन। तो अब मैं क्या करूँगी क्लास, उसका मतलब मुझे सेवन बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। सेवन क्या है, सेवन पार्ट्स होते हैं और जो ऊपर वाला न्यूमिरेटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसको उतने शेड करने होते हैं, हमने उतने शेड करने होते हैं। क्या करूँगी क्लास में, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेवन पार्ट्स हैं, यानी कि सेवन पार्ट्स हमें इसके बनाने पड़ेंगे। सेवन पार्ट्स किस तरह से होंगे, सबसे पहले हमने सेवन हमने बॉक्सेस बना लिए, एक आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा होगा, उसके सेवन पार्ट्स हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में सेवन पार्ट्स हैं, काउंट कर सकते हैं आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। अब उसके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को शेड करेंगे, वन डिवाइडेड बाई सेवन, फिर उसके सेकेंड पार्ट को शेड करेंगे प्लस वन ओवर सेवन प्लस, फिर थर्ड पार्ट को, फिर फोर्थ पार्ट को, फिर फाइव को, फिर सिक्स को, फिर सेवन को। ठीक है, वन ओवर सेवन प्लस 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 वन ओवर सेवन। ठीक है, सेवन पार्ट्स हो गए। अब इसका मतलब अब वन प्लस वन प्लस वन प्लस इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सेवन, सेवन डिवाइड बाई सेवन इज इक्वल टू वन, सेवन सेवन से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो सेवन सेवन के सेवन पार्ट्स को आप शेड कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इक्वल के बाद आप सेवन के सेवन पार्ट्स को शेड करेंगे ना, सेवन सेवन से सेवन वन से सेवन। तो प्लस अब आपके पास क्या है कि फाइव ओवर सेवन, वन होल तो अब आपके पास हो गया। ठीक है, सेवन डिवाइडेड बाई सेवन करके वन होल तो हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्या, फाइव डिवाइडेड बाई सेवन ये करना है ना अब हमने, तो किस तरह से करेंगे, अब हमने सेवन में से फाइव पार्ट को शेड करना है। फाइव डिवाइडेड बाई सेवन का मतलब है हमने फाइव पार्ट्स को शेड करना है। टोटल कितने पार्ट्स थे, सेवन थे, सेवन में से कितने पार्ट को शेड करने हैं, न्यूमिरेटर हमारे पास शेडेड पार्ट होता है, फाइव को तो अपने फाइव को शेड कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव ओवर सेवन। इज इट क्लियर? तो आपके पास दोनों शेप्स क्या आ गए, आपके पास वन होल फाइव डिवाइडेड बाई सेवन। इज इट क्लियर क्लास? ओके क्लास, रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं अब आपके पास वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स बिल्कुल इसी पैटर्न से होंगे, तो आपने खुद ट्राई करने हैं, तो खुद ही इनको अपनी नीट कॉपीज में एक एक क्वेश्चन को आपने करना है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज नंबर 3.4 में क्लास आपके पास क्या है, एक्सरसाइज में 3.4 में हमने क्या डिस्कस करनी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, हमने क्या डिस्कस करना है इसमें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे क्लास, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट है 5 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 35। तो क्लास अब मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है हमारे पास, सेम वही मेथड है कि अगर आपके पास न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई ऐसे नंबर्स हो जिनको कटिंग कर सकते हो तो कटिंग कर लेंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर न्यूमिरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लास इसमें देखिए, हमें जो न्यूमिरेटर में 5 नज़र आ रहा था और डिनोमिनेटर में 35 नज़र आ रहा था, इसका मतलब 5 के टेबल में 35 आता है, 5 वन ज़ार 5, 5 सेवन ज़ार 35, कटिंग हो गया,
सेवन पे जाके 35 आता ना, तो आप कटिंग करके 7 लिख देंगे। जिस नंबर के साथ आपने न्यूमिरेटर को कट कर रहे हैं उसी नंबर के साथ आपने डिनोमिनेटर को कट करना होगा, और जिस नंबर का डिनोमिनेटर को कटिंग कर रहे हैं उसी नंबर के साथ आपने न्यूमिरेटर को भी कटिंग करनी होगी। ऐसा नहीं करना कि आपने जस्ट न्यूमिरेटर को कटिंग कर लिया है और डिनोमिनेटर को छोड़ दिया है, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो जो काम अगर आप नीचे करें तो वही काम ऊपर भी करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्या जगता सब 5 7 35 हो गया। अब देखिए क्लास 3 के टेबल में, अब मुझे न्यूमिरेटर में 3 है डिनोमिनेटर में 12, मुझे नज़र आ रहा था कि 3 के टेबल में 12 आता है, 3 1 3 3 4 12, तो इसका मतलब अब न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 1 डिवाइडेड बाई 4 × 7 आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम उसको, अब कोई ऐसे नंबर जो कटिंग हो सके, तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वालों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 7 = 28 1/28 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके क्लास कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्लास इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लास सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो किस तरह से चेंज करेंगे, 5 को पहले मैं 3 के साथ, यानी कि 3 whole 3 divided by 5 multiplied by 1 whole 1 divided by 9 multiplied by 1 whole 7 divided by 8। तो क्लास सबसे पहले मैं 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, जो आंसर आएगा उसमें मैं न्यूमिनेटर को ऐड कर दूंगी, ठीक है। और देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास हमेशा आंसर में सेम रहेगा, सिर्फ न्यूमिनेटर चेंज होगा। तो क्या किया, 5 3 15 में 3 ऐड किए तो क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9 में 1 ऐड किया 10 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, और से मल्टीप्लाई बाई 8 में 7 ऐड किया तो 15/8 आ जाएगा। प्लस अब देख सकते हैं कि हमारे पास मुझे न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे नंबर आ रहे थे जो आपस में कटिंग हो सकते थे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, 18 है आपके पास और डिनोमिनेटर में आपके पास 9 है, तो 9 2 18 कटिंग होगी, 9 9 9 2 18। अब आपके पास नेक्स्ट है 10 था ना आपके पास, अब नीचे न्यूमिरेटर में मुझे 5 नज़र आता है, 5 1 5 5 5 कहाँ पे जाके हमारे पास 10 आता है 5 के टेबल में, 2 5 5 2 10, ठीक है। अब 15/8 हमारे पास रह गए हैं, ये अभी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ओके क्लास अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 divided by 1 multiplied by 2 divided by 1 multiplied by 15 divided by 8। तो अब हमने क्या करना है क्लास, अब हमने स्टेप बाय स्टेप क्लास चलना है, ठीक है। एक ही जगह पे हम बार बार कटिंग करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसमें थोड़ा सा सफाई नहीं रहेगी क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही हूँ। नेक्स्ट अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2 and 8, अभी भी मुझे नज़र आ रहा था कि कुछ कटिंग हो सकते हैं, 2 1 times 2 2 4 are 8, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2 multiplied by 15, अब न्यूमिरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर डिनोमिनेटर को आपस में, 2 multiplied by 1 multiplied by 15 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 multiplied by 1 multiplied by 1 1 1 ही होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 ही रहेगा, तो इसलिए मैंने जस्ट 4 लिख दिया है, और ऊपर भी मैंने 2 multiplied by 15 लिख दी, क्योंकि अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर ही आ जाता है, 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया है, 2 multiplied by 15 divided by 4 आ जाएगा, 2 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर 30 आएगा, 30 divided by 4। अब अभी भी कटिंग हो सकती है, 2 2 4, 2 1 times 2 2 5 times 10, 1 कैरी चला जाएगा 10 के पास तो 10 बन जाएगा, ठीक है, 2 1 times 2, और 1 बच गया था तो हमने कैरी दे दिया था 1 को, तो 0 को तो 10 बन गया, 2 5 are 15, तो क्लास हमारे पास 15/2 आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 15/2। तो अब क्लास देख सकते हैं हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मैं 15 को अंदर रखूँगी, 2 पे डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे पास क्या देखा 2 7 14, तो आपके पास क्या आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, 7 whole 1/2। इज इट क्लियर? ओके 5 क्लास, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आर ऑन द सिमिलर पैटर्न, सो डू इट बाय योरसेल्फ। I hope you have understood today's lecture. Now have a look at your home task 5 class. Unit number 3, exercise number 3.1 to 3.4. Do exercise number 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4 on your neat maths copy. Okay 5 class, take care of yourself. Allah Hafiz.